Hello friends, in this video we will discuss about the AVL tree insertion. In last videos में हमने discuss कर चुके हैं what do you mean by AVL tree, AVL tree को क्यों हम use करते हैं, AVL tree में rotations किस तरह से आप use करते हैं, LL, RR, LR, RL rotations क्या हैं, ये already हम last video में discuss कर चुके हैं. यदि आपने last video नहीं देखा तो please basics के लिए last video देखिए, then उसके बाद में इस video पे आप switch करिए. Now, AVL tree insertion के लिए मैं एक example ले लेता हूँ. Let us assume, insert the following elements into the AVL tree. The elements is 10, 2, 1, 12, 13, 7, 18, 20. Randomly मैंने कोई elements ले लिए और ये elements को हमें insert करना है AVL tree. मैं step by step आपको बताऊंगा इस particular video में, ताकि आप अपनी university exam को easily इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू किस तरह से आप अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो कर पाए. नाउ सबसे पहला स्टेप, इंसर्ट 10. 10 को जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा, 10 बिकम दी रूट नोड, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरे का, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पहला एलिमेंट कौन सा है मेरा, 10. हर एक एलिमेंट को जब मैं इंसर्ट करूंगा तो उस नोड का मुझे बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. बैलेंसिंग फैक्टर के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा है, यदि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू 0 माइनस 1 या प्लस 1 है, इट मींस आपकी ट्री बैलेंस्ड है, अदरवाइज आपकी ट्री अनबैलेंस्ड है. तो अनबैलेंस यदि आपकी ट्री है तो उसको आप बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फोर रोटेशन, LL, RR, LR एंड RL. ये चार रोटेशन से आप बैलेंस करते हैं. नाउ सबसे पहले बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ 10. 10 का बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना है, 0, बिकॉज इसके लेफ्ट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, इट कंटेन द नल. इसके लेफ्ट में भी कोई चाइल्ड, राइट में भी कोई चाइल्ड नहीं है, बिकॉज इट कंटेन द नल. तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू कितना हो गया इसमें, 0. नाउ नेक्स्ट इंसर्ट 2, सेकेंड स्टेप. सो 2 को जब मेरे को इंसर्ट करना है तो 2 बिकम द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 10, बिकॉज 2 क्या है, लेस है एज कंपेयर टू रूट नोड. नाउ अब मैं बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड आउट करूं, तो बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि अपन बॉटम टू अप पहले बैलेंसिंग फैक्टर्स निकालेंगे. तो इसके लिए बैलेंसिंग फैक्टर निकालें, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना हो गया आपका, 0. 10 का बैलेंसिंग फैक्टर निकालें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितना हो गया, 1. और हाइट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा आपका वो आपकी क्या होगी, हाइट होगी. नाउ रूट नोड से लीफ नोड तक क्या पाथ है इसका लेफ्ट में, 1. सो हाइट कितनी हो गई, 1 माइनस 0, तो कितना हो गया, प्लस 1. प्लस 1 है, 0 है, माइनस 1 है, मींस आपकी ट्री बैलेंस्ड है. नाउ स्टेप नंबर 3, नाउ इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट 1. सो 1 को इंसर्ट करना है तो कहां पे आएगा 1, 2 के लेफ्ट में, क्योंकि 10 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो 2 के लेफ्ट में आ गया. नाउ अब बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड आउट करें, तो बैलेंसिंग फैक्टर 1 का कितना हो गया, 0. 2 का बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करें तो 2 का कितना हो जाएगा आपका, प्लस 1, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री 0. 10 का बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड आउट करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 2 और हाइट ऑफ राइट सब ट्री 0, तो ये कितना हो गया आपका, प्लस 2. नाउ अब आपका ये पर्टिकुलर ट्री अनबैलेंस्ड हो गई. तो किसके आने से अनबैलेंस्ड हुई उसको आइडेंटिफाई करना है हमें, तो 1 के आने से ये पर्टिकुलर ट्री अनबैलेंस्ड हुई. तो हमें इस नोड के इंसर्ट करने से अनबैलेंस्ड हुई, तो हमें उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचने के लिए रोटेशंस हमें यूज करना है. हमारे पास ये चार रोटेशन है, इन चारों में से कोई एक पर्टिकुलर रोटेशन हम यूज करेंगे. तो 10 के लेफ्ट में आया और 2 के लेफ्ट में आया, तो यहां पे कौन सा रोटेशन लगेगा, LL रोटेशन. मतलब आपकी ट्री अभी इस तरह से, अब आपको बैलेंस करना है तो उसको रोटेट करना पड़ेगा. किस डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है मुझे इस पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा. तो इस केस में जब मैं ट्री को रोटेट कर दूंगा तो फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा अनबैलेंस बैलेंस ट्री क्या बनेगी. तो उसके लिए क्या मैंने बताया था, यदि LL और RR रोटेशन है तो जो भी नोड अनबैलेंस्ड हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट में जो भी नोड है वो आपका पैरेंट या रूट नोड बन जाएगा. तो 2 के लेफ्ट में 1 आ जाएगा, 2 के राइट में आपका 10 आ जाएगा. यदि इस पर्टिकुलर ट्री का आप बैलेंस फैक्टर चेक करें तो कितना हो गया, 0,
0, 0. Height of left subtree 1 minus height of right subtree 1. So, kitna ho gaya aapka 0. So, this is a perfect balance. Now, next element. Insert next element 12. So, 12 ko is particular mein insert kar raha hu. So, this is a third step. Ye meri ho gayi fourth step. Isi mein insert kar raha hu main 12 ko. तो 12 कहां पे आएगा? रूट नोड से कंपेयर किया, 12 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 2, तो राइट हैंड साइड पर 10 से भी ग्रेटर है, तो क्या बन जाएगा आपका 10 का राइट चाइल्ड बन जाएगा 12. नाउ अगेन मुझे फिर से बैलेंसिंग फैक्टर चेक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में. तो बैलेंस फैक्टर चेक करें तो हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री इसका कितना हो गया 0. 10 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो 10 का क्या हो गया, हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री कितना 1, तो कितना हो गया माइनस 1. 1 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो ये कितना हो गया 0. 2 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो 1 माइनस 1 2, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 इज माइनस 1. अभी भी आप देखें तो ये ट्री आपकी परफेक्टली बैलेंस्ड है. नाउ इंसर्ट 13. सो 13 को इंसर्ट करता हूं, तो 13 को इंसर्ट करा तो ये आपका 2 है एज इट इज, 1 एज इट इज, 10 एज इट इज, 12 एज इट इज. 13 कहां पे आएगा, 2 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर और 12 से भी ग्रेटर, तो 13 आपका यहां पे आ जाएगा. नाउ अब इस पर्टिकुलर केस में बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो इसका हो गया आपका 0. इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो कितना हो गया 0 माइनस 1, कितना हो गया माइनस 1. 10 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो 0 माइनस 1 2, तो कितना हो गया माइनस 2. 2 का बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो सबसे पहले 1 का करें तो ये 0, 2 का करें तो 1 माइनस 1 2 3. हाइट क्या होती है आपकी, रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपकी हाइट होगी, तो कितना हो गया 1 2 3, तो 1 माइनस 3 कितना माइनस 2. अब यदि आप देखें तो इस पर्टिकुलर केस में दो नोड आपके अनबैलेंस्ड हो चुके हैं, और 99% केसेस में यदि आप बॉटम टू अप सॉल्व करेंगे, इट मींस जो भी पहले बॉटम पे पहले अनबैलेंस्ड नोड आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला नोड आपका बैलेंस्ड हो जाएगा 99% केसेस. नाउ देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं. तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर 10 को बैलेंस करता हूं, क्योंकि बॉटम टू अप बैलेंस हम स्टार्ट करते हैं. नाउ 10 को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, किसके आने से अनबैलेंस हुआ 13 के, तो 13 तक पहुंचना है. तो 13 तक कैसे पहुंचू, राइट और राइट लेकर मैं 13 तक पहुंच गया. ठीक है, अब यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऊपर वाले पोर्शन को आप हाइट कर दें तो ये आपको ऑलरेडी पता है आरआर रोटेशन आप कैसे लगाते हैं. तो आरआर रोटेशन में ट्री अभी आप किस तरह, वो आपकी रोटेट इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट हो जाएगी. तो यदि इसके लिए फाइनल में रिजल्ट लिखूं तो क्या बनेगा मेरा 2 और 1. ठीक है, इसको मैंने बैलेंस किया तो रोटेट किया तो क्या है 10 मेरा अनबैलेंस्ड हुआ, तो इसके जस्ट नेक्स्ट में कौन है 12. तो आरआर रोटेशन इज अ सिंगल रोटेशन, तो जो भी अनबैलेंस्ड हुआ होगा उसके जस्ट नेक्स्ट में जो भी नोड होगा वो आपका पैरेंट बन जाएगा. तो 12 आपका यहां पे आ गया, 12 से छोटा 10 है तो उसके लेफ्ट में आ गया, 12 से बड़ा 13 है तो उसके राइट में आ गया. नाउ अब चेक करें, आप बैलेंस फैक्टर चेक करें ये ट्री बैलेंस्ड हुई या नहीं. तो ये आपका 0 हो गया, ये 0, हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री 1 माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री कितना 1 2 1 2. हर एक पाथ में आपको चेक करना है जो भी पाथ में आपके लॉन्गेस्ट हाइट मिले वो वाला कंसीडर करना है. यदि आप देखें यहां पे कितने पाथ हैं 1 2, मतलब एक पाथ आपका ये वाला है और दूसरा पाथ आपका ये वाला है. तो आपको ऐसे नहीं कि नोड्स को काउंट नहीं करना कि कितने राइट में नोड्स हैं कितने लेफ्ट में नोड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं. हाइट मतलब रूट नोड से लीफ नोड, ये भी लीफ है ये भी लीफ है, जो भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मिलेगी लॉन्गेस्ट पाथ मिलेगा उसको कंसिडर करना है. फॉर एग्जाम्पल एक और नोड यहाँ पे होता तो 1 2 3 मैं इसको कंसिडर करता, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों की हाइट आपकी सेम है, तो 1 2 1 2. तो 0 माइनस 2 कितना हो गया आपका, सॉरी 1 माइनस 2 कितना हो गया आपका माइनस 1. तो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री. हमने क्या बोला 0 माइनस 1 प्लस 1 है, इट मींस ट्री आपकी बैलेंस्ड है. नाउ इंसर्ट 7. 7 इंसर्ट करते हैं तो 2 से ग्रेटर, 12 से लेस, 10 से लेस, तो आपका 7 कहां पे आ जाएगा यहां पर. अब फिर से बैलेंस फैक्टर चेक कर लें तो इसी पर्टिकुलर ट्री में मैं चेक कर लेता हूं, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया हाइट ऑफ लेफ्ट सबट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सबट्री प्लस 1. ठीक है, ये आपका 0 ही रहेगा, ये वाला अपडेट होगा क्योंकि इसके लेफ्ट में कितने 1 2 चाइल्ड हो गए
और राइट में कितना है वन, तो ये कितना हो जाएगा प्लस वन, टू माइनस वन प्लस वन, इसका चेक करें तो वन टू थ्री और यहाँ पे कितना है वन, तो ये पर्टिकुलर नोड आपका अब अनबैलेंस्ड हो जाएगा। कैसे अनबैलेंस्ड हो जाएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, वन टू थ्री, तो कितना हो गया वन माइनस थ्री, कितना हो गया माइनस टू, तो ये नोड आपका टू क्या हो गया अनबैलेंस्ड। अब फिर से मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए फिर क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचूंगा या उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, तो देखिए अनबैलेंस कौन हुआ टू, ठीक है, किसके आने से अनबैलेंस हुआ सेवन के आने से, मुझे यहां तक आना है, तो यहां तक आने के लिए एक आर लिया और क्या कर सकता हूं एक एल ले सकता हूं। मैंने आपको ये बोला था जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच ही जाए, बट उस पर्टिकुलर पाथ तक आपको आना है, ठीक है, आपके पास ऐसा कोई रोटेशन नहीं है आर एल एल, ऐसा कोई रोटेशन नहीं है, आपके पास ये चारों रोटेशन है, बस इन चारों की हेल्प से आपको ये काम करना है, ठीक। तो अनबैलेंस्ड हुआ टू सेवन के आने से, तो इसके पर्टिकुलर सेवन तक पहुंचने के जो पाथ है उस तक मैं पहुंचा, एक आर लिया एक एल लिया। नाउ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आर एल या एल आर रोटेशन की बात हो तो जो भी अनबैलेंस्ड हुआ उस अनबैलेंस्ड नोड से एक आर और एक एल लेकर जिस भी नोड पर आप पहुंच गए वो आपका क्या बनेगा पैरेंट या रूट नोड बनेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा आपका कौन अनबैलेंस हुआ टू, किसके आने से सेवन तक, तो एक आर और एक एल लेकर आप किस तक पहुंचे टेन तक, तो टेन तो हो गया आपका रूट नोड। टेन से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज आप यहां पे लिख दीजिए, टू है और वन है, एज इट इज आपने लिख दिया। नाउ 10 से जो ग्रेटर है वो भी एज इट इज आप लगा दीजिए, एक 12 है आपके पास में एक 13 है, ये एज इट इज आपने लिख दिया। नाउ अब बचता है आपके पास में 7, तो 7 को अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सर्च ट्री रूल जहां पे भी आए वहां पे आप पुट कर दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई हैं, बट सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सर्च ट्री जो भी 7 कहां पे आना चाहिए वहां पे आप उसको पुट कर दीजिए। सो 7 को यदि स्ट्रीम में इंसर्ट करूं तो क्या 10 से छोटा और 2 से बड़ा, तो 7 कहां पे आ जाएगा आपका 2 के राइट में। यदि आप इस पर्टिकुलर ट्री का बैलेंस फैक्टर निकालें तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये कितना हो गया 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 1 2 1 2 तो ये कितना हो गया 0। इट मींस दिस इज अ परफेक्ट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री और एबीएल ट्री। नाउ नेक्स्ट वन इज इंसर्ट 18 को इंसर्ट करना है, तो 10 से ग्रेटर 12 से ग्रेटर 13 से ग्रेटर, तो 18 कहां पे आ जाएगा आपका यहां पे। 18 के आने से क्या कोई चेंज होगा, चेक कर लेते हैं बैलेंसिंग फैक्टर से, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला आपका माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका नोट क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1, तो ये आपका अनबैलेंस्ड हो गया नोट, ये वाला अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए रोटेशन लगाएंगे, तो कौन सा रोटेशन 12 अनबैलेंस्ड हुआ किसके आने से 13 के आने से, ठीक है, तो यहां तक पहुंचना है एक राइट और एक राइट लेकर आप यहां पर पहुंच गए, ठीक है, तो आप इसको बैलेंस करते हैं, तो एज इट इज 10 आ गया आपका, 2 आपका एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, 7 एज इट इज आ गया। नाउ इसको बैलेंस करा तो अनबैलेंस हुआ 12, इसके नेक्स्ट में कौन है आपका 13, तो 13 क्या बन जाएगा पेरेंट, 13 से लेस कौन है आपका 12, तो लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट में क्या आ जाएगा आपका 18। यदि इस ट्री को आप चेक करें दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री। नाउ लास्ट नोड इज लास्ट एलिमेंट इज 20 को इंसर्ट करते हैं, 10 से ग्रेटर 13 से ग्रेटर 18 से ग्रेटर, तो 20 कहां पे आ जाएगा आपका यहां पर। अब चेक करते हैं क्या 20 के आने से कोई अनबैलेंस्ड हुआ, तो इसका देखें 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, दिस इज अ माइनस 1, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस 1, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1, हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना 2, तो कितना हो गया ये आपका माइनस 1, सो 1 माइनस 2 कितना माइनस 1। नाउ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 1 2, हर एक पाथ में देखें तो 2 ही है, इधर देखें हाइट ऑफ राइट सब ट्री 1 2 3, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका माइनस 1। तो यदि आप इस पर्टिकुलर ट्री को देखें दिस इज अवर फाइनल आंसर, यदि आप इसको देखें तो दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री और दिस इज अ हाइट बैलेंस्ड ट्री और दिस इज अ एबीएल। In next video, we will discuss about the AVL tree deletion. Thank you so much.